सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग फाइनली 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 एक और वीडियो देखिए ये क्लास इलेवन की वीडियो है क्लास 11, सिल्क रोड बहुत ज्यादा ट्रेंड किया गया था राहुल द्विवेदी के नाम से तो फाइनली थोड़ा सा लेट हो गया मानता पर फाइनली जो है हम ले आए हैं सिल्क रोड चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें मैं लहासा के कैलाश पर्वत के रास्ते में था कैलाश पर्वत ओ हो प्योर वाइट सुंदर और धार्मिक स्थल कुल मिला के जन्नत और मैं ऐसे ही जन्नत का एक्सपीरियंस लेना चाहता था मेरे साथी गाइडर डेनियल मेरा टैक्सी ड्राइवर जेतन दोनों मेरे साथ थे मैंने रवु नाम के एक छोटे से तिब्बती गांव में डेरा लगाया जिस घर में हम रुके थे उस घर की स्त्री का नाम लहमो था यार वो इतनी अच्छी विमन थी ना कि मैं क्या ही बताऊं उसने विदाई के रूप में मुझे भेड़ की खाल से बना एक लंबा बाजू वाला कोट भी दिया जब हम रवु से चले तो उस दिन बहुत ही सुहावनी सुहा थी आकाश पूरी तरह नीला था जेतन ने एक छोटा सा रास्ता लिया उस रास्ते में कई पहाड़ी अड़चने भी आई अरे ड्राइवर बाबू इस समय कैलाश पर्वत पर बर्फबारी पर हो रही होगी क्या बताए बाबू जी हमको तो नहीं पता वहां जाके ही पता चलेगा कुछ भी बताना मुमकिन नहीं है एक छोटा सा रास्ता हम एक बड़े खुलाए मैदान के पार ले गया वहां कई हिरणों के छोटे छोटे झुंड दिखाई दिए यार कितना ही सुंदर लग रहा था वो वो हिरण के झुंड क्या बात है मज़ा ही आ गया आगे हमें जंगली गधे और कई सारे कुत्ते भी दिखाई दिए रास्ते में बहुत सारे पथरीली मैदान खाना स्त्री पुरुष पशु आदि मिले कई बार रास्तों में भीड़ आ जाती तो कई बार पहाड़ी लोग यार क्या नज़ारा था वो मैं जिंदगी भर कभी भी उस नज़ारे को भूल नहीं सकता और कई बार तो हमारी कार के पीछे कुत्ते भोंगने लगे और इवन पीछा तक करने लगे खैर अपार्ट फ्रॉम दिस काफी दूरी पर बर्फ से ढके पहाड़ हमें नजर आने लगे हमने एक घाटी में प्रवेश किया जहां नदियां चौड़ी थी और अधिकतर बर्फ से ढकी पड़ी थी अब मोर तीखे होते गए कार कुछ ज्यादा ही हिचकौले खाने लगी और अब हम इतने ऊंचे आ गए थे कि मैंने कानों पे दबाव महसूस किया एक मोर को पार करने के बाद जेतन ने कार रोकी क्योंकि रास्ते पर बर्फ पड़ी थी वो करीब पंद्रह मीटर तक फैली हुई थी जेतन ने एक कदम बर्फ पर रखा और ये पता लगाने के लिए कि रास्ता पक्का है या नहीं हम समुद्र तल से 5,210 मीटर की ऊंचाई पर थे जैसे तैसे हमने कार को 15 मीटर तक फैली बर्फीली रास्तों से दूसरी तरफ ले जाने में सफल हुए हमारे आगे दो रास्ते थे एक बर्फीला रास्ता और दूसरा चट्टानों से घिरा हुआ रास्ता हमने चट्टानों से घिरे हुए रास्ते को चुना अब हम 5,400 मीटर की ऊंचाई से भी ज्यादा पे आ गए थे यार मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे दर्द के मारे मेरा सर फट जाएगा मैंने पानी पिया ताकि मुझे चक्कर आना बंद हो जाए एट द एंड हम टॉप पे पहुंचे गए अब हम 5,515 मीटर की ऊंचाई पे थे जहां हम पहुंचे वहां पत्थरों के विशाल ढेर बने हुए थे वहां पे चीथरे हो चुकी प्रार्थनाओं की झंडिया और सफेद रेशमी में लगी हुई थी जो लोग प्रार्थना करने के बाद बांध दिया करते थे उतरने के बाद मेरा सर थोड़ा सा ठीक हुआ अब हम चोटी की दूसरी तरफ पहुंच चुके थे और इस समय करीब दो बज चुके थे हमने वहां लंच किया हमने पेट्रोल भराते हुए नोटिस किया कि गाड़ी का टायर भी पंचर हो चुका है तो जेतन टायरों में पंचर लगवाने चला गया और मैं तब तक के लिए कस्बे को देखने चला गया अब हम इस समय मुख्य पश्चिमी राजमार्ग पर थे जो सदियों पहले सिल्क रोड के नाम से जाना जाता था जिस कस्बे में मैं घूम रहा था उसका नाम होर था यह मानसरोवर झील के तट पर स्थित था लेकिन होर अब टूरिज्म प्लेस नहीं रहा यार क्योंकि यह बहुत ही गंदा हो चुका है मानसरोवर झील जो एक महत्वपूर्ण झील है क्योंकि यह भारत की चार प्रमुख नदियां सिंधु गंगा सतलुज ब्रह्मपुत्र इन सबको जोड़ती है इतने महत्वपूर्ण झील होने के बावजूद भी यह झील अब गंदी हो चुकी थी पंचर लगवाने में जेतन को काफी वक्त लग गया जब होर से चले तब तक अंधेरा हो चुका था तब साढ़े दस से भी ज्यादा का समय हो गया था वो रात मेरे लिए बहुत बेकार रही सर दर्द सांस लेने में तकलीफ जुखाम सब एक साथ हो गया था रात में एक अतिथि गृह में गया मैं वहां भी मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई अगली सुबह जेतन मुझे दर्शन मेडिकल कॉलेज ले गया वहां के तिबड़ी डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी तब जाके मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ और दिन में नींद भी अच्छी आई दर्शन भी करीब करीब जितना ही गंदा था लेकिन वहां से हिमालय का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है उस कस्बे में दो तीन छोटे छोटे किराने की दुकान थी जहां चीनी सिगरेट साबुन और दूसरी छोटी मोटी किराने की चीजें बिकती थी उनमें से एक के सामने पुरुष लोग ताश के पत्ते खेलने के लिए इकट्ठा होते थे नजदीकी महिलाएं बर्फीले पानी में अपने लंबे लंबे बाल धोती थी दर्शन एक शांत और बिना किसी उतावली वाला स्थान था किंतु ये बात मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि यार वहां कोई भी तीर्थयात्री नहीं था फिर मुझे किसी ने बताया कि तीर्थयात्रा का मौसम भाई साहब ये नहीं है ये तो अभी तीर्थयात्रा स्टार्ट होने वाली है तीर्थ यात्रा के समय यहां पे इतनी भीड़ हो जाती है ना कि लोगों को अपने घर से तंबू लाने पड़ते खैर हो सकता है मैं तीर्थ यात्रा के समय से काफी पहले पहुंच चुका हूं पर कोई बात नहीं कोरा जो एक तीर्थ यात्रा का रास्ता था ये तीर्थ यात्रा का रास्ता वैसे तो साफ था लेकिन यार मुझे अकेले चलने में हिम्मत नहीं हुई मुझे डर था कि कहीं बर्फबारी पड़ गई तो रास्ता बाधित हो जाएगा रास्ता बंद हो जाएगा और मुझे ये भी नहीं पता कि आगे की बर्फ हटेगी नहीं हटेगी अभी वहाँ पे बर्फ है या नहीं है और इवन कोई ये चीज़ बताने वाला भी नहीं था तो मैं क्या करता और मेरा जो ड्राइवर था वो मुझे यहाँ छोड़ के चला गया है उसका तो काम है ड्राइविंग का और यहाँ पे किसी को इंग्लिश भी इतनी नहीं आती छोड़ यार मैं यहाँ तक आ तो गया हूँ पर कोरा का तीर्थ यात्रा मैं नहीं करूँगा एक दिन मैं दोपहर में दर्चन के एकमात्र रेस्टोरेंट में बैठ चाय पी रहा था वक्त बिताने के लिए मैंने अपने साथ एक नावल रख लिया नोरबू नाम का एक आदमी अंदर आया और उसने मुझसे इशारे में पूछा कि क्या मैं आपकी कुर्सी के पास बैठ जाऊं मैंने कहा यार बैठ जा अकेला ही हूं मैं भी चाय का ऑर्डर देने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या तुमको इंग्लिश आती है उसने कह दिया हाँ मुझे आती है और इस तरीके से हमारी बात स्टार्ट हुई वो आदमी तिब्बती तो था लेकिन वो बीजिंग में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम करता था उसने बताया कि वो कई सालों से कोरा और बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ रहा है लेकिन उसने भी आज तक कभी ये कोरा का तीर्थ यात्रा पूरा नहीं किया नोरबू उसी अतिथिग्रह में ठहरा हुआ था जहां मैं रुका हुआ था मैंने सोचा कि भाई ये काम करते हैं यार हम दोनों मिलकर ना तीर्थ यात्रा करते हैं लेकिन यार भाई चढ़ाई बहुत बड़ी है और पैदल चलना यार बहुत थकान भरा होगा हाँ यार तू तो ये सही कह रहा है चढ़ाई बहुत ज्यादा है और तेरा और मेरा पेट इस बात की गवाही नहीं देता छोड़ यार कभी और करेंगे सो फाइनली फाइनली गायस दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर दिस इज बेस्ड ऑन सिल्क रोड मतलब ये एक तीर्थ यात्रा कैलाश पर्वत के बारे में है और इतना ही था इसमें अच्छा था चैप्टर मजेदार रहा था आपने इसकी एनिमेशन देखी आपने ऑलमोस्ट सब कुछ देखा आपको मजा आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और भैया डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब माय चैनल चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा और 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 आप नेक्स्ट वीडियो किस किसपे चाहते हैं चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत कैसे हैं आप सभी लोग फाइनली आ चुके हैं हम बिल्कुल एक नए चैप्टर में जिसका नाम है सिल्क रूट जी हाँ सिल्क रूट चलिए क्योंकि रास्ते पर बर्फ पड़ी थी वह करीब पंद्रह टायर भी पंचर हो चुका है तो जेतन ने अपने टायरों हमने पेट्रोल बढ़ा जुकाम सब एक साथ लेकिन वहां से हिमालय का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है उस कस्बे में दो तीन